नाम दाखिले के अंतिम दिन सारी बड़ी पार्टियों ने कांग्रेस, भाजपा, बसपा और समाजवादी प्रत्याशी ने दल बल के साथ रैली के रूप में पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। इस विधानसभा चुनाव में एक नई पार्टी का रीवा जिले में जनाधार दिखा, वह बनी उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टी समाजवादी। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण झलकियां। समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां गुढ़ प्रत्याशी कपिल ध्वज सिंह और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राम वृक्ष यादव मौजूद हैं और वो पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। सरकार की ही, हर एजेंसी के दुरुपयोग की ही सी व्यापम घोटाला में आवश्यकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करें ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। समाजवादी पार्टी हर समाज का साथ लेके सामाजिक समरसता का कायम रख के देश में आगे बढ़े के विचारधारा रखा थी। माननीय मुलायम सिंह जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के विचारधारा एवं समाजवादी पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर हम समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं और गुढ़ विधानसभा क्षेत्र से आज अपन नामांकन दाखिल किए हैं। पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार हर दिशा में निरंकुश। रीवा में बेशकीमती शासकीय जमीन गलत नीति बनाए के बहुत कम दर में सरकार का नुकसान पहुंचाए के निजी ठेकेदारन का, निजी बिल्डरन का प्रदान की गई, उदाहरण सबके सामने है। यह सब केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की गलत नीति, अट्रोसिटीज एक्ट है, SC/ST एक्ट के नाम से जेका हम पहले जानी थे, वह वोट के राजनीति के तिर लावा गवा एक्ट है, उसे समाज में विघटन है और एक बहुत बड़े तबका का न्याय से वंचित रखा जा रहा है। ये सिर्फ वोट के राजनीति के तिर काम किया जा रहा है। सरकार और पार्टी द्वारा प्रयास यह हो चाहिए कि हर परिस्थिति में, समाज में, हर वर्ग में समन्वय रहे, प्रेम रहे, आपसी भाईचारा रहा है। समाजवादी पार्टी इस सब मुद्दन पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के विरुद्ध हर स्तर पर लड़ाई लड़ी और यह विधानसभा में हम पंचे निर्णायक सीट जीत के हूँ। जो कहू सरकार बनाई वहाँ समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसा स्थिति सामने बना।